मुझे डर है कि कूफे वाले मुस्लिम के दौर की तरह सिक्कों की लालच में मुख्तार को अकेला ना छोड़ दें। थोड़ा सब्र से काम लो नारिया, जरा अच्छी बातें भी सोचा करो। तुम उलट क्यों नहीं सोचती? क्या पता कूफे वाले हजरत मुस्लिम के वाक़े से शर्मिंदा हूँ और अपनी खयानत की तलाफी करना चाहते हूँ। खुशफहमी है, जंग हो गई तो सब बिलों में छुप जाएंगे। मुख्तार को जरा सी भी समझ होगी तो कूफियों से अपने आप को बचा लेगा। नारिया, मुख्तार के पास अजम भी है। अरब के तमाम बासर कबाइल ने कूफे की नाकाबंदी कर दी है, क्या मुख्तार मुट्ठी भर कमजोर अजमों के साथ इनका मुकाबला कर सकेगा? इब्राहिम अश्तर और उसका कबीला शेरों की तरह मुख्तार के साथ खड़े हैं। ये सारी आग अश्तर और उनके बेटे की कब्र से उठ रही है, उसी की वजह से जंग का आगाज हुआ है। आ गए, हमारे शेर आ गए, उनका लश्कर कूफे में आ गया। किससे सुना तुमने? मैंने सुना नहीं है बानो, अपनी आँखों से देखा है। इंसान के पीछे इंसान, सबके पीछे सब। लश्कर का एक सिरा दरवाजे कूफा पर और दूसरा सिरा बाग ज़ाइदा पर। क्या रोब दबदबा है, कूफा अपने बहादुरों के कदमों तले थरथरा रहा है। अगर अपने कानों को जमीन पर रखेंगे तो कदमों की आवाज आएगी। एक बात तो बताओ, क्या तुम वही औरत नहीं हो जिसने अपने कबीले की औरतों को लेकर उमरे साहब का पत्थर मारे थे? जी हाँ मानो, मैं वही हूँ। ऐसा काम किया कि उमर शर्म के मारे सर ना उठा सके। हमने उसे घर में बैठे पर मजबूर कर दिया ताकि मुख्तार का बोझ हल्का हो जाए। ये लीजिए बानो, ये उसी लश्कर का ऊँट है जिसने इब्ने मरजाना की शातराना चाल का साथ दिया और माँ का यतीम मुस्लिम मारा गया। शक नहीं कि ये यहाँ भी मुख्तार का काम खराब करने आई है। तुम्हारी जबान की तलखी शिमर की तलवार से कम जहरीली नहीं है नारिया, क्यों उसे मुस्तकिल ढोंगे मार रही हो? उमरा बानो, आपकी सौकन को हक पहुँचता है कि मुझे तंस मारे। मुझ कमबख्त ने हजरत मुस्लिम के मौके पर वो गुनाह किया था कि अब तक उस पर कुढ़ रही हूँ और चल रही हूँ। मेरा शोहर तो तवाब बन गया और अनुवर्ता में शहीद हो गया। मैं नसीब की मार जमाने की इबरत बनकर जिंदा रह गई हूँ। ये कैसी बात कर रही हो? हम सब धोखा खा सकते हैं और गुनाह कर सकते हैं। शैतान का काम भी यही है, तौबा जहाद का दर्जा रखता है। तुमने अच्छा किया हमें आकर खबर दी, हम तुम्हारी मजीद अच्छी खबरों का इंतजार करेंगे। माफ कीजिएगा उमरा बीबी, आपकी बदअखलाक सौकन की बहुत ही जहरीली जबान है। ध्यान रखिएगा कि उमर साहब की कमी को पूरा न कर दे। हम औरतें शेरों की तरह मुख्तार के साथ खड़ी हैं। अब्दुर्रहमान, तीरंदाजों को देख रहे हो? हाँ, देख लिया था मैंने। इन्हें खत्म करना तुम्हारा काम है। अपने तीरंदाजों को ढालों के हिसार में छुपाओ और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी पूरी तवज्जो दुश्मन के तीरंदाजों पर होनी चाहिए। जैसे वो तीर मारने के लिए उठे उन्हें मार दो।
खुज़ैमा, तुम 100 घुड़सवारों को उठाओ और उनके घुड़सवारों को टिका दो। 100 घुड़सवार कम नहीं होंगे इब्राहिम, हमारे पास 300 घुड़सवार हैं। मैदान बहुत छोटा है खुज़ैमा, सबके सब चल पड़े तो दरो दीवार से टकरा जाओगे। मुझे डर है कि तुम लोग फंस ना जाओ। अब्दुल्ला, खुज़ैमा के 100 घुड़सवारों के अलावा बाकी घुड़सवार घोड़ों से उतर जाएं। डरो मत हुस्न की मलका, तुम्हें खुदा की कसम में तुम सच बताओ कि तुम कौन हो? मैं हूँ मारिया, आपके बिल्कुल बराबर वाली पड़ोसन। तुम यहाँ क्या कर रही हो औरत, और ये कैसा अजीब सा हुलिया बनाकर घूम रही हो? शिम्र के सिपाहियों जैसी लग रही हूँ ना? तुम्हारा प्यारा शोहर उर्मला का लंगोटिया यार है, तुम शिम्र के जैसी हो गई हो ताकि उसका साथ दे सको। नारिया, तुम वाकई बेवकूफ हो या लोगों को बेवकूफ बनाती हो? बकवास बंद, मैंने पूछा मेरे घर में क्या कर रही हो तुम? ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है शहजादी, ये पयाम का घर है। दिन दहाड़े सितारे दिख रहे हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बोल गई घटिया औरत, तुम्हारा कियाम से क्या वास्ता? ज्यादा शोर मत करो बाजार की मक्खी, मैं बर्दाश्त का मादा नहीं रखती, जो मुझे डंक मारती है वो बहुत पछताती है। वाकई ज्यादा बोल रही हो टिड्डी, लगता है तुमने अपने से ज्यादा भारी नहीं देखी। उम्रा बीबी, आप हमारे बीच फैसला कीजिए, हम एक दूसरे की जबान नहीं समझते, जब भी टकराते हैं एक भौ भौ करता है, एक म्याऊं म्याऊं। जाहिर है जो भी तुम्हें इस हुलिये में देखेगा उसका रंग बदल जाएगा, थोड़े से धब्बे भी अपने चेहरे पर लगा लेती तो शिमर और तुम्हें कोई फर्क न रहता। मैं क्या करती, मैं सिर्फ इसी लिबास में कियान का पैगाम अपने शोहर तक पहुँचा सकती थी। अच्छा अच्छा, इससे पहले कि कोई शर खड़ा हो जाए, जाओ अपने कपड़े बदल लो, जाओ। नारिया, मैं मारिया हूँ, मैंने तुम्हें डराया, माफ करना डरपोक बुढ़िया। क्या तुम्हें मेरे सर पे सिंह नजर आ रहे हैं? फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर यूं ही चलता रहा तो शायद पागल भी हो जाऊं। यह हो क्या रहा है, ये आफत हमारे घर में क्या कर रही थी? मारिया, कल तक आफत जरूर थी नारिया, मगर आज वो और उसका शोहर कयाम के खास तरफदारों में से हैं। पहले ही हालात बड़े सुहाने थे जो इन जैसे लोग भी आ मिले। इस औरत का शोहर उर्मला का लंगोटिया यार है, और इसकी बीवी भी खबीस तरीन औरतों में से है। ये हुनर कयाम है, गलत लोगों को भी मुतियों फरमाबरदार बना देता है। क्या मुख्तार मजबूर है शिमर से जंग के लिए, उसे भी अपने हुनर से इंसान नहीं बना देता? हुनर कयाम से वो इंसान बन सकता है जिसके हाथ खूने हुसैन में रंगे हुए ना हों, इब्ने हुर की तरह, जो मारिया का शौहर है। इब्ने हुर हुरमरा का दोस्त जरूर था, मगर वो करबला में नहीं था। जी हाँ, ये औरत और उसका शौहर क्या करना चाहते हैं? कियान का क्या पैगाम था? वो कियान के हंगामी हमला आवरों के गुरु का सरदार है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये लोग शिमर के सिपाहियों के लिबास में उनके तीर अंदाजों के दरमियान घुस कर उन्हें गुमराह कर रहे हैं।
ऐ मेरे साथियों, इनकी तादाद से मत घबराना, जो कि सिर्फ कुछ डरपोक और बुजदिल लोग हैं। तुम्हारा एक मर्द उनके 10 मर्दों पर भारी है। शिकार हो गया, अब हमें भाग जाना चाहिए। गुरु हमला करने होंगे, उन्हें कदम बकदम पीछे धकेलना होगा ताकि घुड़सवारों को रास्ता खुले। अहमद तुम हमला करो।
नाइम शहीद हो गया। सवारों को वापस भेजो साहब। जाओ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। बाजार में मछली बेचने से थक गए थे जो हंगामा आराई करने लगे। तुम्हारे आका ने तुम्हें इसलिए आजाद किया कि उस पर तलवार उठा लो नमक हराम। ये जाओ फौरन इसका सर उड़ा दो। तुम अपनी मां के नाजायज बेटे हो शबस। अगर ऐसा ना करते तो तुम शबस ना होते मलाऊन। जो अहलियत रसूल अल्लाह के कैदियों पर रहम ना करे वो एक आजाद किए हुए गुलाम पर क्या रहम करे। अमीर पानी क्यों नहीं पी रहे बिन कामिल? मेरे ख्याल से रोजा होगा उनका। रोजा? वो भी इस जंग के मौके पर? अगर रोजा न रखते तो बेहतर होता ना। बिन खुदैज, अबू इसहाक को क्या करना है वो हमसे बेहतर समझता है। बेहतर होगा तुम्हारी ये खबर ना फैले अबू सईद। बिन कामिल जी अमीर, फौजों को रवाना होने का हुक्म दो। हमें जल्द से जल्द बिन अनस के पास पहुंचना होगा। कुछ हुआ है क्या? बज़ाहिर बिन अनस किसी मुश्किल में है। कियान कहाँ है? यहीं कहीं होगा। उसे बुलाकर लाओ, फौरन इब्राहिम को यह खबर पहुंचानी होगी। जी अमीर। आ गए शिम्र, शेर बने या लोमड़ी?
हम चंद बुजदिल गीदड़ों को लेकर भेड़िए के मुकाबले को गए थे, जरा से हमले में डर के फरार कर जाते हैं। हैफ उन तलवारों पर जो इन डरपोक लोगों के हाथों में है। तो तुम भी चंद हंगामा आराई करने वालों से मगलूब हो गए? दुश्मन इन बातों से काफी ज्यादा ताकतवर है अमीर, उसे बहुत मामूली समझ लिया है आपने। तुम लोगों की तादाद दुश्मन से 3 गुना ज्यादा है शिमर। तुम लोग अरब के मशहूर और बहादुर जंगजू हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि चंद गुलामों के मुकाबले पर इस तरह आजजी का इजहार कर रहे हो? अमीर, मुख्तार के साथियों ने हमारे रूप धार लिए हैं। छतों पर मुकर्रर तीर अंदाजों ने एक तीर भी नहीं चलाया। जानते हैं क्यों? मुख्तार के आदमी हमारे लिबास में उनमें शामिल थे और उन्हें मार भगाया। शबस की भी मिली जुली कैफियत होगी, वो क्यों मगलूब नहीं हुआ दुश्मन के आगे? वाकई शबस ने मुकाबला कर लिया? शबस ने मुकाबला किया है, उसने दुश्मन को मार भगाया। शाबाश है उस पर। राशिद ने क्या किया? राशिद बाप का दुख झेल ना सका, गया अपने बाप के पास। मारा गया? हाँ, मगर एक जबरदस्त जंग लड़ने के बाद। अगर मेरे पास राशिद और अयाज जैसे 10 सिपा सलार होते तो मैं मुख्तार को मक्खी की तरह मसल के रख देता। बेशक ये बाप बेटी वफादार सिपा सालार थे। यानी हम वफादार नहीं हैं? बेवफाई दिखा रहे हैं अमीर। हमें भी राशिद और उसके बाप की तरह मर जाना चाहिए था कि हमारी वफा साबित हो जाए। मैं माफी चाहता हूँ, ये इन बहस मुबाहिसात का वक्त नहीं है। शबस ने दिखा दिया कि मुख्तार को हराना नामुमकिन नहीं। हम एक इज्तिमाई अज़्म के साथ मुख्तार की कमर तोड़ सकते हैं। तोड़ दो, तोड़ दो, अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, वरना वो तुम लोगों की कमर तोड़ देगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। ये सब क्या है? झूठ है? इस बेचारे के साथ क्या किया है? उमरा बीबी, ये खबीस शबस का जासूस है, यहाँ भटक रहा था कि मोहल्ले की खबरें पहुँचा सके। ये झूठ है, खुदा रसूल की कसम ये झूठ है। अरे अरे दीदा दिलेरी तो देखो, अभी मैंने इसका मुंह खुलवाया था। शबस मुख्तार के मोहल्ले पर हमला करना चाहता है। इस ढांचे को उसने भेजा है ताकि मोहल्ले को आग लगवाने में उनकी मदद करे। इसकी हुरिये से नहीं लगता कि ये जासूसी के लिए कोई काबिल आदमी होगा। उसने खास तौर पर इस ढांचे को भेजा है ताकि हमें धोखा दे सके। बताओ कितने काले सिक्कों पर बिके हो बदबख्त कहीं के? आप लोग जिस किसी को भी मानते हैं उसकी कसम ये झूठ है, मैं किसी का जासूस नहीं हूँ। नहीं, इसे प्यार की जबान समझ नहीं आएगी। लाल कोयलों से इसकी आंखें जलाएंगे तो इसकी जबान खुल जाएगी। एक कोयला लाना जरा। अच्छा बस करो, इस बेचारे को मजीद तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। तुम किस गुरु की हो? मैं साहिब इब्ने मालिक के जनाना दस्ते की औरतों में से हूँ बानो। फौरन साहिब के पास जाओ और उसे बता दो कि शबस का ये इरादा है, जल्दी। जी अच्छा बानो, लेकिन आप इस दुमकटे को रिहा मत कीजिएगा। शबस बहुत चालाक है, उसके हीले और धोखे कमर तोड़ हैं। ठीक है, जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। चलो आओ। खुदा किसी काफिर को भी औरतों का कैदी ना बनाए। खुदा की कसम बानो, मैं बेगुनाह हूँ, खामखा मुझ पे शक किया जा रहा है। खामोश हो जाओ, बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसे थोड़ा पानी दो, डरा हुआ है। ये क्या कर रहे हो? हम पर पीछे से हमला हो गया है, उनका सिपा सलार बिन उचा जुबेरी है। बिन कामिल, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कैसी आराइश है? हम पर पीछे से हमला हो गया है अबू साहब, उनका सिपा सलार बिन उचा जुबेरी है, हमें घेर लिया गया है। पीछे का रास्ता खोल दो, अपनी फौजों को पीछे ले जाओ। ये अमीर,
ज्ञान, ज्ञान। फौरन इब्राहिम के पास पहुंचो, उसे कहो दारुलहुकूमत के मैदान की तरफ ना जाए। बिन हजाज जुबैरी ने हम पर पीछे से हमला कर दिया है, इब्राहिम उसके पीछे से उस पर हमला करे। मतलब हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए, बहुत बुरा शुभ हालात है। साहिब, उनके प्यादे तुम्हारे लिए, मैं इनके घुड़सवारों से निमटता हूं। सारे घुड़सवार उतर जाएं। बेटे किसी खून का बदला ले रहे हो या मेरे और तुम्हारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? इस मौके को याद रखना बुजदिल, अगर तुम में गैरत है तो जाओ और हमारी बहादुरी के किस्से सुनाओ, जाओ। इब्राहिम। हाँ, क्या ताजा खबरें हैं कियान? मलून शबस अब तक जिंदा है क्या? अबू इसहाक दुश्मनों में गिर गया। इब्राहिम, बिन हज्जाज जुबैदी ने पीछे से हमला कर दिया है। अबू इसहाक ने पैगाम भिजवाया कि तुम पीछे से हिसार को तोड़ो। बेटा पीछे से हमारी तरफ आ रहा है। बकवास मत करो, नूफिल और शिमर ने अश्तर के बेटे का रास्ता रोका हुआ है। सब भाग गए हैं सरदार, सब फरार हो चुके हैं।
रुक जाइए, मस्जिद आगे मत जाइए, वापस आ जाओ, असल दुश्मन तुम्हारे पीछे है। अल्लाह अकबर, इब्राहिम आ गया। बिन कामिल, जी अमीर। बिन कामिल, पिछला रास्ता भी खाली ना करना, पता तो यह है कि हम दुश्मन को घेर लें, कहो सब वापस आ जाए। जी अमीर। बिन अनस, तुम भी उस तरफ से जाकर घेर लो, भागना चाहें तो पीछा मत करना, भागने देना, हम शबस की तरफ जा रहे हैं, जाओ। क्या हुआ जलजोशन के बेटे, फिर भाग निकले? तुम ही बता दो नौफिल, अगर मैं बात करूंगा तो फिर बेवफाई का इल्जाम ही लग जाएगा मुझ पर। कोई फायदा नहीं अमीर, जब तक अश्तर का बेटा है कोई भी मखलूक उनका सामना नहीं कर सकती। थोड़ा सा डट कर मुकाबला करते और अश्तर के बेटे का रास्ता रोक लेते तो मुख्तार का काम तमाम हो जाता। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो शबस, अगर अश्तर के बेटे से लड़ना आसान होता तो ये काम तुम पहले खुद ही कर चुके होते। लानत करे तुम पर पिसारे साथ, अगर तुम मैदान में होते तो हम इस मुसीबत से हरगिज दोचार ना होते। इसी तरह खामोश खड़े रहे, टिकटिकी बांधकर एक दूसरे को देखते रहे। खामोश बस, खामोश। मुझे आप लोगों की बोसीद रस्सी पर भरोसा करके इस कुएं में नहीं उतरना चाहिए था। मुझे उसी दोस्ताना सियासत के सहारे मुख्तार से निमट लेना चाहिए था।
ये भंवर कातिलाने हुसैन से दोस्ती का नतीजा है। सुन लो ऐलान, न हो लर्जा मत हो परेशान के बहुक्म कुरान, खुलूस ओ ईमान के साथ जो इंसान तौबा कर ले और हो पशेमान तो खुदाए सुभान बख्शेगा उसके गुनाहान। ऐ खौफ ज़दा इंसान न हो हैरान, बैत करो इसी इस हुक्म के साथ कैसा से कातलाने हुसैन कैसे होगा? ये एक इज्तिमाई बख्शिश का हुक्म है रुफाहा, कातलाने हुसैन का मामला अलग है। खुदा करे ऐसे ही हो जैसा तुम कह रहे हो। शक मत करो, अबू साहब जानता है कि वो क्या कर रहा है। ये बख्शिश का हुक्म हमारी हुकूमत की बुनियादें मजबूत करने के लिए जरूरी है। हुकूमत? हाँ, हुकूमत शियान अली। हुकूमत हमारी? आप बहुत अच्छे अमीर, काश मैं भी अयाज और राशिद की तरह आप पर जान कुर्बान कर देता और ये रात ना देखता। खुदा की कसम, अगर अभी भी मुझे पता चल जाए कि मेरी जान आपको बचा सकती है तो कोई मुजायका नहीं करूंगा। मेरे जैसे लोग लहरों की तोश पर रहते हैं अबाकुत। काश आप शिमर और शबस जैसों पर भरोसा ना करते। इन लोगों ने अपनी बेकदरों की व जानों के डर से आपको मुख्तार के आगे खड़ा कर दिया है। मेरी मानिए तो अमीर, अभी भी उन पर भरोसा ना करें। ये लोग अगर आपका ठिकाना जान लें, मुख्तार के आगे खुद को मीठा साबित करने के लिए आपको आगे कर देंगे। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरा मुखलिस नहीं बचा। शबस कुत्ते की तरह सुराग में लगा हुआ है। वो ये जानना चाहता है कि मैं महल से कब निकलूंगा और कहां जाऊंगा। अब तक मैंने कुछ भी जाहिर नहीं किया है। अच्छा किया आपने। अगर ये लोग ये जान ले कि आप कब महल से निकल रहे हैं तो कुछ ऐसा कर देंगे कि आप छुपने के मकाम पर पहुंचने से पहले बख्तार के आदमी हाथ लग जाए। आपको इस तरह जाना होगा कि कोई भी ना समझ सके कि आप कब गए हैं। मैंने सोच लिया है कि सिर्फ तुम मेरे साथ आओगी। मैं नहीं चाहता कि सिपाही भी हमें देखें। सिपाही तो आपको हर हाल में देख ही लेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो आपको पहचान ना सके। मसलन क्या करें? जनाना लिबास बेहतर रहेगा। हौसला रखिए, जनाना लिबास बेहतर रहेगा। हाँ,
अमीर कहाँ है अबा खुद? अभी आता हूँ, जरा हौसला रखिए, आइए मेरे साथ। क्या बात है अबा खुद? खैरियत? आखिरकार अमीर क्या करना चाहते हैं? तीन दिन से हम घेराव में हैं, अनकरीब खाना वगैरह भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक दूसरे का गोश्त खाने पर मजबूर हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, ये नौबत नहीं आएगी। आइए। इस आदमी ने हमें धोखा दे दिया। कैसा धोखा? उसे जाना था, वो चला गया बगैर बताए क्यों गया? अगर बता देता तो तुम क्या कर लेते? मैं भी जाना चाहता था। ठीक है तो फिर जाओ, रास्ता खुला है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी ने तुम्हें रोका नहीं है। हाँ चला जाऊंगा। तुम समझते हो कि मुख्तार के आगे घुटने टेक कर सर झुका के इल्तिमास करूंगा? तुम भी अगर सरे तस्लीम खम करना चाहते हो तो गलती पर हो, मुख्तार तुम्हारी बैत हरगिज कबूल नहीं करेगा। मैं वादा ले लूंगा, अगर मुख्तार अपने वादे को तोड़ेगा तो फिर हुकूमत नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी, ये अमान सिर्फ मसलहत का खेल है। तुम भी हमारे साथ की तरह खाम ख्याली में हो शबस। अरे ओ अबा कौन, कहां चला गया? इतनी देर की, इतनी मोहलत दी कि जितने लोग भागना चाहते थे भाग गए। तुम्हारा मकसद क्या है रुफा? बिन मुती, बिन हज्जाज, शिमर, नूफिल सब भाग गए। हमें उसी रोज अव्वल इस मकड़ी के चाले पर हमला करके सितमकारों का खाना खराब कर देना चाहिए था। अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है रफा, इतनी जल्दी फैसला मत करो। Thank you.
बहुत खूब इराक के शहंशाह, ये नफीस तख्त ताज तुम्हें मुबारक हो। जब इस पर बैठोगे तो समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं है, समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं, समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं। या दलील अल-मुत्तकीन। अबू मुफलिस, ये तख्त यहां से हटा दो। माफी चाहता हूं अमीर, आपके खादिमों ने बड़ी मेहनत करके महल के आदाब के मुताबिक तख्त को सजाया है, कोई ऐब वगैरह है क्या इसमें? बेऐब होना ही इसका ऐब है। इसे हटवाकर एक सादा सी कुर्सी रखवा दीजिए। हर सवारी का पालान उसके शायाने शान होना चाहिए अबू इसहाक। इस खूबसूरत महल में तख्त के बजाय एक सादा कुर्सी रखवाना मुनासिब जोड़ नहीं है। इस तख्त का जलवा अखलाक व किरदार को बदल देता है इब्राहिम। हमें तख्त पर सवार होना है या तख्त को हम पर सवार होना चाहिए? इस महल में हमारी सादगी कोई नामुनासिब जोड़ नहीं है। इस खूबसूरत महल की रौनक हमारी सादगी के आगे एक नामुनासिब जोड़ है। हम चंद दिनों से ज्यादा इस महल के मेहमान नहीं हैं इब्राहिम। हमारी हुकूमत का बच्चा जब चलना सीख जाएगा, हम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर एक सादा से मकान में अदालत की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तय ये पाया था कि हमारी हुकूमत में मौला अली की रंगोबू होनी चाहिए। इब्राहिम, क्या ये हैफ नहीं कि अबू इसहाक उस तख्त पर बैठे जिससे इब्ने मरजाना की बू आती हो? मुझे जवाब मिल गया हीरानी भाई। लोग कई सालों के बाद वो खुतबे सुनना चाहते हैं जिनमें अली की खुशबू हो। बहुत बड़ा बोझ है मेरे कंधों पर, मौला अली के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। जनाब अजीज, इस तख्त को खजाने में जमा करवा दीजिए और इसकी जगह एक लकड़ी की सादा सी कुर्सी रख दीजिए जिसमें ये सारे जर्क बर्क ना हो। अमीर मुख्तार मस्नूई आराइश और खुशामत पसंद नहीं है। बखुदा हैफ है, इस तख्त की जगह जो चीज भी रखी जाए इस जगह की तौहीन है। फर्ज कीजिए कि ये तख्त इन सुतूनों और दरवाजों की तरह है, यकीनन कल को हुक्म हो जाएगा कि इन बड़े बड़े दरवाजों को तोड़कर तबेले का दरवाजा लगा दो। माफ कीजिएगा, आपका इसमें गिरामी? आपका नौकर अबू मुफलिस इब्ने मुहर्रिर। अबू मुफलिस, अगर पहले की तरह महल के खुशामदी रहना चाहते हो तो बातें मत घुमाओ। अगर अमीर मस्जिद से आए और ये तख्त यहाँ नजर आया तो तख्त और उसके खुदामों को एक साथ तोड़ दें। जैसी अमीर की ख्वाहिश, इस तख्त को बदलना अदल और इंसाफ के बरखिलाफ है। ये तख्त किसी और जगह काम भी नहीं आ सकता, हुकूमती खजाने का सरमाया है। अगर इसे रख दिया जाए तो इसकी लकड़ियों को दीमक खा जाएगी, इसे खराब कर देगी। आखिर अमीर इतनी सारी खूबसूरतियों के बीच तख्त से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये तख्त नहीं है अबू मुफलिस, एक ऐसी मसनद है जो अमीर की कब्र का अजाब बन सकती है।